देश के सबसे बड़े फनी तूफान को लेकर सभी दूर भय और आतंक का माहौल बन गया है। जी हाँ, फनी तूफान 205 किलोमीटर की रफ्तार से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पहुंचेगा। ओडिशा में येलो वार्निंग आचार संहिता हटाकर स्कूल कॉलेज छुट्टियां कर दी गई है और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में एक दिन पहले ही तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है और यहाँ 81 ट्रेनें रद्द की गई हैं। आंध्र प्रदेश ओडिशा में नौसेना तैनात कर दी गई है। NDRF टीम, सेना और वायुसेना के जवान अलर्ट पर रखे गए हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी अलर्ट है। यहाँ समुद्र में 13-13 फुट ऊंची लहरें उठने की आशंका है। कुल मिलाकर बुधवार शाम तक फनी पुरी से 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम और विशाखापट्टनम से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित था। नेवी, कोस्ट गार्ड के जवानों, हेलीकॉप्टरों, NDRF और बचाव टीमों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है। कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि फनी पहले आंध्र प्रदेश पहुंचेगा, पर इसकी अधिकतम रफ्तार ओडिशा में देखने को मिलेगी। यह अत्यंत भयंकर श्रेणी का चक्रवात है। यह जब ओडिशा में प्रवेश करेगा तो राज्य के तटीय भागों के लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं होगा। उस दौरान तटीय शहरों में तबाही वाली बारिश देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वी तटों के पास बंगाल की खाड़ी में समुद्र में उथल पुथल की स्थिति रहेगी और इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में 2 से 4 मई के बीच कई हिस्सों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.